हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में। तो हाइपोथायरॉइडिज्म समझने से पहले हमको जो है थायराइड ग्लैंड के बारे में समझना पड़ेगा। इसकी कौन सी हार्मोन होती है, इसमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है ये, और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इस सब के बारे में हम जो है समझते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, इसके क्या काम होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड नेक के इन फ्रंट होती है, यानी इन फ्रंट ऑफ नेक होती है और लैरिंग से नीचे होती है। ये जो गर्दन वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये इस हिस्से पे ये थायराइड ग्लैंड होती है और लैरिंग से नीचे होती है, और ये बटरफ्लाई शेप में होती है। अगर इसकी हम शेप की बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो ये बटरफ्लाई शेप में होती है और दो लोब की होती है। तो जो ट्रेकिया होती है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया से के दोनों साइड में एक एक लोब होती है। तो ये थायराइड ग्लैंड होती है, और थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन का जो होता है उसको थायराइड हार्मोन कहते हैं। और ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और इसको वाइटल हार्मोन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म के केस में, यानी बॉडी में मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत जिम्मेदार होता है, इसलिए इसको जो है वाइटल हार्मोन ग्लैंड कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो इसके दो हार्मोन होते हैं T4 और T3। T4 को थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं और T3 यानी ट्राई आइडोथोरॉक्सिन कहते हैं। ये दोनों थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं, और एक हार्मोन TSH होता है, ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होती है, बल्कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाली हार्मोन TSH होती है, यानी इसका TSH का पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कब सिक्रीट होती है ये हमको थोड़ा देखना है, यानी इसका फंक्शन जो है पिट्यूटरी कंट्रोल करती है TSH का। और क्या होता है कि जब थायराइड की सिक्रीशन कम हो जाती है, यानी T3 और T4 हार्मोन अगर कम सिक्रीट होने लगता है, तब पिट्यूटरी क्या करती है कि ये TSH को ज़्यादा सिक्रीट करती है। ज़्यादा सिक्रीट इसलिए करती है कि ज़्यादा सिक्रीट होगी तो ये जो है जाके जो है थायराइड को अच्छे से कंट्रोल कर लेगा, T3 T4 को कायदे से फिर ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट करके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर देता है। तो इसलिए TSH जो है ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो T3 और T4 को जो है कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, यानी ये TSH के द्वारा जो है कंट्रोल होता है T3 और T4 का एक्शन। तो इस तरीके से TSH सिक्रीट कहाँ से होती, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है। अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि TSH हार्मोन जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी जो है थायराइड ग्लैंड की हार्मोन होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड की हार्मोन नहीं है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन है, ये थायराइड को कंट्रोल करती है, थायराइड को रेगुलेट करती है। तो अब देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड कभी कभी जो है किसी वजह से अगर ज़्यादा अमाउंट में जो है हार्मोन सिक्रीट करता है, तब वो ऐसी कंडीशन को हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि कम, यानी जरूरत से कम अमाउंट में जो है हार्मोन सिक्रीट करता है, तब उस कंडीशन में फिर ये हाइपोथायरॉइड की कंडीशन होती है। तो आज हम देखते हैं मेनली हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में कि हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है, इसमें कौन से जो है सिम्टम होते हैं, इसके क्या काज होते हैं, और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम करती है, इस सब के बारे में देखते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म के कॉज के बारे में अगर देखें, तो इसमें मेजर काज जो होता है वो ऑटोइम्यून डिजीज होता है, यानी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से जो है ये हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन मेन होती है। ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होती है कि ऑटो यानी इम्यून सिस्टम, बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडी बनाती है, अपनी बॉडी को इम्यून करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, और कभी कभी वो एंटीबॉडी खुद जो है अपने ही सेल को खाने लगती है, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तब वो ऐसे जब
कोई प्रॉब्लम पैदा होगी तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। तो थायराइड के केस में जब ऑटोइम्यून डिजीज में होता है कि वो अपने ही सेल को, थायराइड ग्लैंड अपने ही सेल को जो है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, अपने ही सेल को खाने लगती है। तो ऐसे कंडीशन की जो डिजीज होती है उसको हाशिमोटो डिजीज कहते हैं, यानी ऑटोइम्यून डिजीज में भी जो है ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है, जो कि मेन काज होता है। दूसरा काज अगर देखें तो थायराइड सर्जरी है, यानी अगर थायराइड की सर्जरी हो जाती है किसी वजह से, थायराइड ग्लैंड का थोड़ा सा हिस्सा या जो है पूरी पार्ट अगर रिमूव हो जाती है सर्जरी के द्वारा, तो फिर जाहिर सी बात है कि थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाएगी, जो हार्मोन इसके होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो फिर ये हाइपोथायराइड की कंडीशन हो जाती है। तीसरे इसमें देखें तो रेडिएशन थेरेपी में अगर जैसे किसी को कैंसर हो गया है हेड और नेक में, तो जो उसमें से रेडिएशन दिया जाता है ऐसे पेशेंट को, तो रेडिएशन की वजह से भी हाइपोथायराइड की कंडीशन हो जाती है। और थायराइडाइटिस एक कंडीशन होती है, थायराइडाइटिस यानी जब थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो भी उसके हार्मोन्स वगैरह कम हो जाते हैं T3 T4, तो यहाँ भी जो है हाइपोथायराइड की कंडीशन हो जाती है। और एक काज होता है प्रेगनेंसी के केस में, ज़्यादातर लेडीज़ को प्रेगनेंसी के केस में जो है हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, और मेल फीमेल में अगर देखा जाए तो फीमेल के केस में ज़्यादातर ही हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो अब देखें सिम्टम की बात अगर करें तो सिम्टम में क्या क्या सिम्टम होते हैं हाइपोथायराइड के केस में, तो सिम्टम में एक होता है, नंबर एक सिम्टम तो होता है पहला सिम्टम कि वेट गेन होता है, यानी जो है वजन ज़्यादा होने लगता है लेडीज़ का। वजन ज़्यादा होगा तो भारीपन रहेगा, सुस्ती रहेगी, पल्स रेट डाउन हो जाएगी, यानी ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन हो जाती है, थकावट हो रहने लगती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, पफी फेस हो जाता है, और इस सब के साथ में जो है स्किन में जो है सूखापन, ड्राइनेस आ जाती है, हेयर में ड्राइनेस हो जाती है। इसमें अगला सिम्टम है डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन भी पेशेंट को रहने लगता है, और जो है वो आवाज़ में जो है हॉर्सनेस, भारीपन आ जाता है, हवा आवाज़ में भी भारीपन हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल पीरियड फीमेल के केस में देखें तो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है इरेगुलर हो जाता है, ज़्यादा होता है और इरेगुलर हो जाता है, तो इस कंडीशन इसकी वजह से फिर जो है इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और वीकनेस ऑफ मेमोरी भी हो जाती है, यानी फॉरगेटफुलनेस, यानी मरीज अपने आप को लगता है कि तो अब इस समय हम कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। तो ये सब सिम्टम, अच्छा हर पेशेंट में ये सारे सिम्टम तो नहीं मिलते हैं, कुछ सिम्टम मिलते हैं, तो कुछ सिम्टम भी मिल जाए तो उसमें भी हम हाइपोथायराइड की कंडीशन जो है उसको गेस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको कंफर्म करने के लिए थायराइड प्रोफाइल की जांच कराना ज़रूरी है। थायराइड प्रोफाइल जांच करा लेते हैं, ब्लड के थ्रू कराया जाता है, तो थायराइड प्रोफाइल करा लेने से उसमें जो है ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन कंफर्म हो जाती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि T3 और T4 की कंडीशन मेनली लो होती है और TSH की लेवल बढ़ जाती है। तो अगर इस तरीके से है तो या T3 T4 नॉर्मल भी रहती है कभी कभी, और TSH की कंडीशन बढ़ी रहती है, तो इस तरीके से अगर है कंडीशन तो वहाँ पर उसमें फिर इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है कि T3 T4 लेवल कम रहता है और TSH लेवल ज़्यादा रहता है। तो जबकि TSH हार्मोन जो होता है वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है, और जो कि थायराइड ग्लैंड को मेंटेन करती है, कंट्रोल करती है, इसलिए जो है पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को ज़्यादा सिक्रीट करती है कि जाके उसको मेंटेन करो। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में T3 T4 नॉर्मल भी रह सकती है या कम रहती है मोस्टली, और TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये डायग्नोसिस हो गई। अब इसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो देखते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बेस्ट काम करती है। तो थायराइड के केस में देखा गया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कर लेने से, होम्योपैथिक मेडिसिन किसी डॉक्टर के अंडर में जो है करने से थायराइड में जो एक डर होता है कि थायराइड की गोली हमेशा खानी पड़ेगी, थायराइड हमेशा ठीक नहीं होता है, तो थायराइड ठीक भी हो सकता है, कुछ दिन तक दवा खाने से रेगुलर थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल से सही भी हो जाती है। लेकिन ये है कि सेल्फ मेडिकेशन ना किया जाए, किसी भी डॉक्टर के कंट्रोल में
होम्योपैथिक फिजिशियन के कंट्रोल में दवा लिया जाए। तो इसमें देखते हैं कि एक मेडिसिन कैल्केरिया कार्ब होती है, कैल्केरिया कार्ब जो है 200 पावर में हफ्ते हफ्ते पे लिया जाए। तो कैल्केरिया कार्ब का सिम्टम देखते हैं तो कि इसमें जो है हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में कैल्केरिया कार्ब सिम्टम पेशेंट में ज़्यादातर मिलते हैं, क्योंकि जो है वेट गेन हो जाता है, फ्लेबी हो जाता है पेशेंट, सुस्ती रहती है, और उसके बाद फिर पल्स रेट कम हो जाता है, ब्रेडीकार्डिया की कंडीशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी रहने लगता है। तो कुल मिला के हम देखा जाता है कि कैल्केरिया कार्ब के सिम्टम पेशेंट में ज़्यादा आने लगते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। तो इसलिए कैल्केरिया कार्ब बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसमें एक मेडिसिन है थायरोडिनम 30 या 200 पावर में, ये भी जो है हफ्ते में लिया जाए, हफ्ते हफ्ते पर। और एक दवा होती है आयोडियम भी 30 या 200 पावर की दवा, ये जो है हफ्ते में दो बार लिया जाए। तो इस तरीके से तीन दवाएं ये हैं जो कि बहुत ही बेस्ट काम करती हैं। वैसे तो दवाएं बहुत हैं, क्योंकि सिम्टम के हिसाब से दवाएं देना पड़ता है। सेल्फ मेडिकेशन इसके केस में बिल्कुल ही ना करें, सिम्टम के हिसाब से जब डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि कौन सी दवा आपको लेनी है। तो इस तरीके से ये दवाएं लेने से होम्योपैथी में थायराइड की प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है, बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है, रेगुलर दवा खाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो और भी लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले हेल्थ संबंधी ऐसी ही तमाम वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। ओके।